आप लोग भी आइए, सभी लोगों को दे दीजिए। और लोगों को नहीं है? नहीं सर, सभी को दे दीजिए। उधर भी दीजिए, आप उधर आ जाए। अच्छा आ गया, चले भाई। ये विशेष आवरण है, स्पेशल कवर जी, ये स्पेशल कवर। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बटन दबाकर सूचना की जो डिजिटल डायरी है उसका उद्घाटन भी। ये डायरी अब है, ये ऐप के रूप में उपलब्ध है। इसमें आप किसी का भी नंबर, जैसे मान लीजिए आप ही का नंबर तलाशना है तो इसमें सर्च ऑप्शन रहता है, तो ये जैसे पूरा आ गया सर, ये पूरे सब, ये जैसे विभाग, विधान परिषद, विधानसभा, ये सारा आ गया सर। मंत्रिमंडल के जैसे माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण पे मुख्यमंत्री, ये आपका पूरा। इसमें मैंने अभी देखा, इसमें ईमेल नहीं है, वो भी हम डालेंगे सर, ताकि ये इसमें कभी भी कोई भी, मतलब जैसे डायरी में होता था पेज पलटते रहना पड़ता था खोजने के लिए, इसमें बस आप नाम डालिए वो या पद डालिए और वो तुरंत आ जाएगा। इससे बहुत सुविधा हो जाएगी और जो आम नागरिक है वो तुरंत ऐप डाउनलोड करके अपना पता कर सकता है। केंद्रीय मंत्री, इसमें केंद्रीय मंत्री मंडल का भी हमारा रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, और ये अभी हिंदी में, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का, सारे जिले के भी नंबर्स हैं। अच्छा, इतनी सर्चिंग ऑप्शन है कि आप किसी के नाम से ये आपका नाम जैसे सर्च करेंगे किसी का भी तो आ जाएगा, पूरा विवरण आ जाएगा, टेलीफोन नंबर, एड्रेस समेत सब आ जाएगा। ये अभी सर ये एंड्रॉयड फोन पे आज है अवेलेबल, जैसे मैंने अभी मृत्युंजय जी से कहा इन्होंने डाउनलोड कर लिया, तो ये अब ये iOS पे भी हो जाएगा, तो आईफोन पे भी आ जाएगा। 24-48 घंटे के अंदर आपने जैसे भी लॉन्च किया ये उसमें आ जाएगा, तो आईफोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लोग इसमें एक काम हो गया, इसमें ये भी किया मैंने कि इसमें रजिस्टर होने के लिए आपको अपनी ईमेल एड्रेस देनी पड़ती है, उस माध्यम से हम लोगों की ईमेल एड्रेस भी कलेक्ट कर लेंगे ताकि हम उनको कम्युनिकेशन कल को भेज सके सरकार के कार्यक्रमों के बारे में अपडेट, हम उनको फिर अब खुद से भेजना शुरू कर देंगे, ये हमारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आशीर्वचन के रूप में। मकर संक्रांति है के शुभ अवसर पर स्पेशल कवर के विमोचन और उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना डायरी के डिजिटल फॉर्म के लोकार्पण कार्यक्रम के आज के समारोह में हमारे साथ यहां पर उपस्थित हमारे संतगण श्री महंत रविंद्रनाथ जी महाराज, बाबा महंत संतोष दास जी महाराज, हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह श्री रमेश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, पोस्ट मास्टर जनरल सरकार सिंह जी, भारतीय डाक सेवा से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण,
प्रदेश सरकार के सूचना सलाहकार श्री रविंद्र कुमार जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त, गोरखपुर के जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री अश्विनी त्रिपाठी जी और उपस्थित सभी मीडिया के बंधुगण, मैं आप सभी को मकर संक्रांति के हृदय से बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा डाक विभाग को कि उन्होंने एक स्पेशल कवर आज वाहेगुरु गुरु गोरक्षनाथ जी की इस पावन तपस्थली पर आयोजित होने वाले कृषि मेले पर जारी किया है। ये दस रुपये का स्पेशल कवर है, यानी गोरखपुर का खिचड़ी मेला अब डाक विभाग की कार्यसूची का एक हिस्सा बन गया है और उसमें जब भी किसी को अगर गोरखपुर के खिचड़ी मेले से संबंधित कोई कवर चाहिए और वह अगर पसंद करेगा कि नहीं मुझे खिचड़ी मेले से संबंधित डाक कवर चाहिए, किसी को उसको पत्र भेजना हो, उस कवर की आवश्यकता है, तो वह आसानी से उसे प्राप्त कर सकता है। मैंने इसको लॉन्च होते समय देखा है कि उसमें जो डाक टिकट भी लगाया गया है, आपको याद होगा 2016 में जब यहां पर ब्रह्मदिन पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर डाक टिकट जो जारी किया गया था, उस डाक टिकट को ही उस स्पेशल कवर में लगाया भी गया है। वो 5 रुपए का डाक टिकट था और डाक टिकट को काफी अच्छे ढंग से लोगों ने उस समय कवर किया था। ये एक अवसर है जब हम लोग अपनी विरासत और अपनी परंपरा की स्मृतियों को बहुत समृद्धतम तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और डाक विभाग ने देश के अंदर उन विशिष्ट घटनाओं को, पर्वों को, कार्यक्रमों को इस प्रचलन का हिस्सा बनाया है। लोगों को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने और आम जन तक उसे प्रचारित प्रसारित करने का एक अवसर दिया है और लोगों को भी डाक सेवाओं के साथ जुड़ने का जो एक अवसर प्रदान किया गया है, हम इसके लिए डाक सेवा गोरखपुर के पीएमजी और पूरी डाक सेवा से जुड़े हुए कर्मी का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना विभाग की डिजिटल डायरी आज यहां पर लॉन्च हुई है। हम सब जानते हैं कि जिस अब तक की जो डायरी होती थी यह हमारे पास हार्ड कॉपी में यानी पुस्तक के आकार में आती थी, कितना कागज इसमें बनता था और कागज लगने के साथ ही कोई व्यक्ति संतुष्ट भी नहीं होता था क्योंकि हर एक तक पहुंचने में दिक्कत होती थी, नहीं पहुंच पाता था, तमाम प्रकार की शिकायतें भी आती थी। उन स्थितियों से बचने के लिए एक प्रयास हुआ है कि हम लोग यह जो युग है अब हम लोग प्रयोग कर चुके हैं डिजिटल युग में, हर एक चीज अपने डिजिटल फॉर्म में आ रही है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते डिजिटल फॉर्म में सूचना विभाग की डायरी भी आए, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से उत्तर प्रदेश शासन की कार्य पद्धति और उससे जुड़े हुए विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी भी रख सकता है, उनसे संवाद भी बनाए रख सकता है।
अब आपको अलग से डायरी ले जाने की आवश्यकता नहीं, आपका स्मार्टफोन ही आपकी सारी सूचनाओं का आधार बन जाएगा। और एक अच्छा प्रयास डिजिटल फॉर्म में उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग की डायरी का आना, कि जहां मीडिया कर्मियों को, जनप्रतिनिधियों को, विभागीय अधिकारियों को और शासन से जुड़े हुए विभिन्न तबके के लोगों के लिए एक नई सहूलियत प्रदान करने वाला कार्य हुआ है, मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ सूचना विभाग को कि उन्होंने एक अच्छा कार्य डिजिटल फॉर्म में उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग की डायरी को आज यहाँ पर एक साथ मकर संक्रांति के अवसर पर लॉन्च किया है। ये इस बात को भी साबित करता है कि हम अब नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये नए युग में प्रवेश, आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा उपयोग हो सकता है हमारे जीवन को सहज सरल बनाने में और लोगों को शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ने में। पिछले 10 महीनों से देश और पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। कोरोना कालखंड में कितनी कठिनाई थी लोगों के सामने, किस किस प्रकार की परेशानियां आई थी, हर एक तबका परेशान था। और उन स्थितियों में आप देखिए 135 करोड़ लोगों के जीवन में किस प्रकार की चुनौतियां थी। उन चुनौतियों से देश को उभारने, लॉकडाउन के दौरान और उसके उपरांत आने वाली तमाम प्रकार की विषमताओं से देश को कैसे मुक्त किया जा सकता है, इसके लिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टेक्नोलॉजी पर पहले दिन से ध्यान दिया था, उसका परिणाम रहा कि धीरे धीरे करके देश का हर व्यक्ति उससे लाभान्वित होता हुआ गया। हर एक योजना का लाभ, जैसे जनधन अकाउंट जब खोले गए थे 2014 में खोले जा रहे थे, लोगों को लगता था तमाम प्रकार की टिप्पणियां होती थी, और मान करिए अगर जनधन अकाउंट नहीं होते तो हर गरीब महिला के खाते में लॉकडाउन के दौरान सीधे धनराशि नहीं भेजी जा सकती थी, और धनराशि अगर नहीं जाती तो व्यक्ति क्या करता जब कमाई के सब साधन बंद हो गए थे। दूरदर्शिता थी और शासन से योजना उस व्यक्ति तक पहुंचाने का एक सबसे अच्छा माध्यम जनधन अकाउंट खुला था, डीबीटी के माध्यम से पैसा उसके अकाउंट में जा रहा था। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2,35,00,000 किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा हम लोग हम भेज देते। एडवांस में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि उनके अकाउंट में, लाभार्थियों के अकाउंट में हमको दे रहे थे, क्योंकि सबके अकाउंट हमारे पास थे। या स्कॉलरशिप है, ये पैसा भी हम समय पे उनके अकाउंट में भेज रहे थे, क्योंकि हमारे पास तकनीक भी थी, हमारे पास उन सबके अकाउंट भी थे और साथ साथ शासन की योजनाओं को उनके साथ जोड़ने। 54,00,000 प्रवासी कामगार और मजदूर जिन्हें हमने एक निश्चित मानदेय इस दौरान दिया, बेरोजगारी के दौरान जब वे लोग गुजरा भत्ता उनकी आवश्यकता उनको थी उस समय उनके सामान्य जीवन के गुजारा बस के लिए उन्हें हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध कराई टेक्नोलॉजी के कारण, और वो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में भी व्यापक परिवर्तन ला सकती है, सुधार ला सकती है, और सुधार के ही क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब ने यहाँ पर एक डिजिटल डायरी को इस रूप में दिया है जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो सकती है। अभी आवश्यक नहीं कि ये केवल शासन से जुड़े हुए मंत्रियों के पास या अधिकारियों के पास या जनप्रतिनिधियों के पास ही रहेगी, एक कॉमनवेल्थ भी इसका लाभ ले सकता है, प्रदेश की 24 करोड़ जनता भी ले सकती है, देश की 135 करोड़ की जनता भी इसका लाभ ले सकती है। और जिससे कागज इसमें कुछ भी खर्च नहीं हुआ, जो भी कागज बनाते समय जो कार्य हुए होंगे उस समय भले ही वो किया गया होगा लेकिन शेष उसकी बचत अलग से, लेकिन सुविधा ज्यादा है और हर एक तक पहुंच भी हो गई है। अब कोई ये नहीं कह सकता मुझे डायरी नहीं मिली,
हम उसको कह सकते हैं भाई ये ऐप फॉर्म में है, आप इसको लीजिए, डिजिटल उसमें है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये सभी चीजें उसके साथ जोड़ सकती हैं। तो हमें तकनीक को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जब मकर संक्रांति के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्र हैं, भगवान गोरक्षनाथ जी को अपने आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ साथ कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अब हम लोग उस स्तर पर पहुंचाने में सफल हुए हैं जहां पर कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का एक महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहा है। और इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की जो कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है कि हम सबको अपने पाले का इंतजार करते हुए पूरे धैर्य और पूरी सहनशीलता के साथ इस पूरे कार्यक्रम को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं मकर संक्रांति की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए भारतीय डाक विभाग को, जिन्होंने आज मकर संक्रांति यानी खिचड़ी मेले पर स्पेशल कवर जारी किया है, उन्हें और उत्तर प्रदेश सूचना विभाग को, इस उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग की डायरी को डिजिटल फॉर्म में लॉन्च करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।